यूनिफिकेशन चैनल के तमाम उस्तादा इकराम, अतिब्बा हज़रात, बिलखसूस सैयद रिजवान शाह साहब और दीगर तमाम व्यूवर्स को अकीम मौज़ मलिक की तरफ से सलाम अदब अदाब है जी। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जो कि हुब्बे कल्बी पार्ट टू मज़ीद वजाहत के साथ शाह साहब के हुक्म से पेश की जा रही है, इसको मुकम्मल देखें ताकि आपको नुस्खा अच्छी तरह से समझ आ जाए। लीजिए दोस्तों, हुब्बे कल्बी अकीम मौज़ वाली इसका मुकम्मल नुस्खा आपकी पेश खिदमत है, जिसमें आब लहसुन देसी 100 ग्राम, अजवैन देसी 50 ग्राम, अरके गुलाब देसी 3 आतशा 50 ग्राम, अरके मालहम 2 आतशा 50 ग्राम, तुख्मे इलाची खुर्द 10 ग्राम, ज़ाफरान 20 ग्राम, कस्तूरी 1 ग्राम, अंबर 2 ग्राम, रोगने बिलेसान बद्री 10 ग्राम, रोगने लता सपारी 5 ग्राम, वर्क सोना 5 अदद, वर्क चांदी 20 अदद, मलका शहर 10 ग्राम। ये नुस्खा जो पहले वीडियो यूनिफिकेशन चैनल पर शाह साहब ने अपलोड की थी उसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन शायद हमारे दोस्त पूरी तरह तवज्जो देकर वीडियो नहीं देखते, जिसकी वजह से उनको नुस्खा ठीक से समझ नहीं आया। लिहाजा ये उन दोस्तों के लिए फिर से मज़ीद तफसील के साथ वीडियो बनाई जा रही है। आगे हम इसकी तरकीब और तैयारी भी आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। प्रैक्टिकली वीडियो आप पहले देख चुके हैं और आपसे गुजारिश है कि इसको मज़ीद अच्छे से तवज्जो दें। तवज्जो देने से आपको नुस्खा और नुस्खे के अंदर मौजूद नकात समझ आएंगे, जो कि एक मालिज के लिए, अच्छे इलाज के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। लीजिए दोस्तों, हुब्बे कल्बी हकीम मौज़ वाली मुकम्मल तरकीब और तैयारी। सबसे पहले अरके गुलाब, अरके मालहम में ज़ाफरान को भिगो कर कुछ देर के लिए रख दें ताकि ये नरम हो जाए। तुख्मे इलाची खुर्द, अंबर, कस्तूरी, अजवैन देसी को अलग अलग पीस कर सफूफ कर लें और बाद में सबको यकजान कर लें। अब एक साफ सुथरा खर लें और खरल के अंदर जो आपने ज़ाफरान अरकियात के अंदर भिगो दिए थे उनको डालें, और जो आपने कस्तूरी वाला सफूफ तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा शामिल करें और खल करते जाएं। जब ये मवाद खुशक होने के करीब हो तो आब लहसुन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर खल करते जाएं। आब लहसुन मुकम्मल करने के बाद चंद कतरे रोगने बिलिसान और चंद कतरे रोगने लता शामिल करते जाएं और खल करते जाएं। रोगन मुकम्मल करने के बाद वर्क सोना और वर्क चांदी एक एक शामिल करते जाएं और खल करते जाएं। इसी तरह तरतीब से वर्क मुकम्मल करने के बाद आखिर में मलका शहद शामिल करें। अब आप चाहें तो मवाद को नीम खुशक करके हुब बनाएं या मुकम्मल खुशक करके कैप्सूल बनाएं। मैं तो इसे मजून की शक्ल देकर रखता हूं, इससे दवा की ताकत। लीजिए दोस्तों, हुब्बे कल्बी का मुकम्मल नुस्खा, उसकी तरकीब तरतीब सारी आपकी खिदमत में पेश कर दी। आप दोस्तों की अगर हौसला अफजाई रही, आपकी शफकत रही, तो ऐसे और भी नुस्खाजात पेश किए जाएंगे। अगर कभी मौका मिला तो इस नुस्खे की मुकम्मल दास्तान भी पेश की जाएगी, जिसके अंदर मेरे मोहतरम बुजुर्ग हकीम अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी जिक्र आएगा, मेरे काबिल एहतराम दोस्त उर्वा सुलेमानी का जिक्र भी आएगा, मेरे वालदे ग्रामी का जिक्र भी आएगा, इस पर फिर कभी बात होगी। तो ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ज्वार मोरा, जो कि तिब का शाहकार नुस्खा है, उससे कई गुना ज्यादा फवायद और असरात और तसीर में ताकतवर है। अपने मतलब की जीनत इसे बनाइए। मेरी खिदमात जहां पर आप चाहें राबता करके हासिल कर सकते हैं, और मैं मशगूल हूं सैयद रिजवान शाह साहब का, उनका बड़ा तामन है और उनका तामन रहा, तो ऐसे कई नुस्खे आप दोस्तों की खिदमत में पेश होंगे। आपकी तस्दीकी वीडियो और वॉइस काफ़ी मेरे पास पहुंची हैं, इंशाल्लाह वो भी वक्तन फवक्तन शाह साहब की शफकत से आपको आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं का तालिब हूँ। मौज़म बंदा हकीर हूँ, तालबे निगाहे फ़कीर हूँ, आप सबके लिए भी दुआगो हूँ। अल्लाह करीम आपके हाथ में शफा पैदा फरमाए और दूसरों की भलाई आपसे हो। जज़ाकअल्लाह।